हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जॉबलेस फैमिली में। दोस्तों, वेस्ट बंगाल पीएससी की तरफ से पर फाइनली मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर के यहाँ पर रिजल्ट पब्लिश कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, मैं अभी आ चुका हूँ वेस्ट बंगाल पीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। यहाँ पर आप लोग जो लेटेस्ट एडवर्टाइजमेंट वाला जो ऑप्शन आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ इंटरव्यू फॉर द रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर नॉन टेक्निकल इन द ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, एडवर्टाइजमेंट नंबर 21/2018। तो यहाँ पर जो जो कैंडिडेट पर इंटरव्यू के लिए सिलेक्टेड हुए हैं उनका भी शेड्यूल यहाँ पर जारी कर दिया गया है। तो इसको देखने के लिए आप लोग क्या करना होगा, इसको डाउनलोड कर लेना होगा। दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर इंटरव्यू का भी डेट दे दिया गया है। यहाँ पर 13 अगस्त से आप लोगों को जो है यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर से 10 बजे से लेकर आप लोगों को जो है इंटरव्यू का टाइमिंग दे दिया गया है। 10 बजे के बाद 11 बजे, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का होगा 12 बजे, उसके बाद 1:30 बजे। तो ऐसा करके आप लोगों को यहाँ पर टाइमिंग दे दिया गया है। दोस्तों, आप लोग इंटरव्यू के लिए जो कॉल लेटर यहाँ पर आप लोग देख पा डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर 5/8/2019 से यहाँ पर उसका भी एक दे दिया गया है। डाउनलोडिंग ऑफ इंटरव्यू कॉल लेटर विल बी कमेंसिंग ऑन और बिफोर, उसके बाद 5/8 से आप लोग जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, इसका भी हम लोग एक वीडियो बना देंगे, आप वहाँ से डायरेक्ट जो लिंक आप लोग को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहाँ से डायरेक्ट इसको अपना एडमिट कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, चले देख लेते हैं कि कितना दिन तक आप लोगों का जो है इंटरव्यू चलने वाला है। तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग डेट है वो 13 अगस्त, और यहाँ पर एंड डेट दे दिया गया है वो है 20 सितंबर 2019 को। मतलब यहाँ पर आप लोग का जो है 13 अगस्त से लेकर 20 सितंबर 2019 तक आप लोग का जो है यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। लगभग 1 महीने से आप लोग का जो है इंटरव्यू होगा। दोस्तों, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग साथ शेयर करनी थी। दोस्तों, आप अगर इसको अपना अपना नाम को चेक करना चाहते हैं, यहाँ पर आप लोग का जो है रोल नंबर दे दिया गया है, उसके बाद यहाँ पर कैंडिडेट नेम भी दे दिया गया है, उसके बाद फादर नेम भी दे दिया गया है। आप वहाँ से रोल नंबर से भी चेक कर सकते हैं, अपना अपना नाम से भी चेक कर सकते हैं, अपना फादर नेम से भी आप लोग जो है अपना जो कौन कौन सा सिलेक्टेड हुए हैं, कौन कौन सा कैंडिडेट, वो भी यहाँ पर से चेक कर सकते हैं। दोस्तों, यही एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप लोग साथ शेयर करनी थी। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।